भोपाल के फाइव स्टार होटल जहनुमा के मालिक नादिर रशीद ने अपने घर में खुद को गोली मार ली। गोली लगने से नादिर रशीद की मौत हो गई। उन्होंने सुसाइड क्यों किया अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद से उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। फाइव स्टार होटल जहनुमा पैलेस के चेयरमैन 72 वर्षीय नादिर रशीद ने अपने ही घर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद उनकी पत्नी सोनिया की तबीयत बिगड़ गई है। वे डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। नादिर रशीद ने श्यामला हिल्स की नादिर कॉलोनी में अपने घर श्यामला कोठी में खुदकुशी की। उनके खुदकुशी करने के कारण को पता करने में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि नादिर रशीद पिछले कई महीने से डिप्रेशन में थे। उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। नादिर रशीद ने घर के बाथरूम में अपने सर पे गोली मार ली। इस घटना के बाद उनके पड़ोसी डॉक्टर मोइज हुसैन को बंगले पर बुलाया गया। इससे पहले ही पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई थी। फिलहाल उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस बहुत सारी लगी हुई है। हमें अंदर नहीं गया, मैं आया था इसे डॉक्टर उनकी मिसेस को देखने को। मैंने देख के आ गया, दवा बता के। ये मैंने पूछा भी नहीं, मगर समथिंग इज देयर जो इतने सीरियस प्रॉब्लम है, तो कोई इतनी पुलिस है, डॉग है, अभी जांच चल रही है। पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, सभी लोग कर रहे हैं। लोग बहुत उनके रिश्तेदार जान पहचान वाले, वो तो वीआईपी आदमी थे, हमारे भी जान पहचान थी, वहीं रहता हूँ मैं श्यामला हिल पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता नहीं है मुझे, जिस तरह बातें होती हैं माइट बी सीरियस। वो तो रिसर्च में मालूम पड़ेगा, वो देखेंगे ना क्या हुआ क्या। अपन बिला वजह कह दें कुछ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।